दोस्तों, दीमक के बारे में आपने यह बात जरूर नोटिस की होगी कि दीमक जो होते हैं वह लकड़ी पर आधारित वस्तुओं को ज्यादा पसंद करते हैं। दरअसल दीमकों का आहार मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है और सेलुलोज पेड़ और घास जैसे अन्य पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दोस्तों दीमक लकड़ी को ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, हमारा मोबाइल घर के अंदर होने पर भी नेटवर्क को पकड़ सकता है। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि मोबाइल के सिग्नल के लिए जो रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है वह दीवारों से होकर गुजर सकते हैं और इस वजह से हमारा मोबाइल घर के अंदर होते हुए भी सिग्नल को पकड़ सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ जगहें ऐसी होती है जहां हड्डियां मिलनी तो है लेकिन बिल्कुल हिलती नहीं है, और ऐसी जगहों में खोपड़ी इसका प्राथमिक उदाहरण है। दोस्तों, कैपुचिन प्रजाति के बंदर नट को तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करने में अच्छी तरह से निपुण हैं। बंदरों द्वारा नट को पत्थरों से तोड़ना इस बात का संकेत देता है कि मानव औजारों का उपयोग कैसे विकसित हुआ होगा। दोस्तों, आपने मोबाइल ऐप से QR कोड को स्कैन करके भुगतान किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन ने हथेली के स्कैन पर आधारित एक पेमेंट सिस्टम शुरू की है? यह स्कैनिंग डिवाइस खरीदार का बायोमेट्रिक डाटा पढ़ता है और खरीदार के खाते से स्वचालित रूप से पैसे डेबिट कर लेता है।